सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। देखिए दोस्तों, आज मेरे साथ में मेरा उस्ताद जो है यूपी के रहने वाले हैं, उनका नाम है सिराज खान। वो फिलहाल अभी जा रहे हैं छुट्टी पे अपने घर, उन्हीं पार्टी किए हैं। फिलहाल अभी हम लोग बिरयानी का पार्टी कर रहे हैं। आप लोग कृपया देखिए हम लोग बिरयानी कैसे बनाते हैं। ये जो मेरा उस्ताद है, ये सिवान जिला का रहने वाला, इनका नाम है जावेद भैया। ये बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हैं, आपको आज दिखाएंगे बिरयानी कैसे बनता है। अभी फिलहाल चिकन है, चिकन के बाद नमक डाले हैं, नमक के बाद ये फिलहाल मिर्ची है, मिर्ची के बाद ये आ गया हल्दी। देखिए अभी बस दो ही तीन सामान डाल के इसको भी पैक कर रहे हैं। ये है थोड़ा गरम मसाला, इसमें मिक्स है, गरम मसाला है। फिलहाल इनको अभी मिला रहे हैं, ये कैसे मिक्स कर रहे हैं। हो गया लहसुन, लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट हो गया, ये लहसुन का पेस्ट हो गया। अभी फिलहाल इनको भी मिलाएंगे। ये हो गया सफेद वाला हल्दी। सफेद वाला हल्दी किधर है? ये सफेद वाला हल्दी। मर्चुआ तो नहीं पीसा जल्दी। ये हो गया अदरक, ये हो गया नींबू, ये सफेद वाला प्याज है, ये सलाद के लिए लाए हैं हम लोग। उसके बाद से हो गया लहसुन, हरी मिर्च, उधर प्याज, मिर्ची, ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट बन रहा है इसमें डालने के लिए बिरयानी में। अभी इसको बंद कर, अभी कुछ पल में तैयार हो जाएगा। अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, सब निकाल के खाली रखो। लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा और डाल दिए हैं। चिकन का बिरयानी देखिए, आपको दिखाते हैं कैसा बनता है। पाँच मिनट ले इसको मिक्स, पाँच मिनट मिक्स करके इसको छोड़ दिया जाए, उसको फ्राई किया जाएगा। कितना? एक घंटा फ्रिज में रहेगा, एक घंटे के बाद फिर निकलेगा, एक घंटे के बाद निकलेगा, उसके बाद से फ्राई कीजिएगा। नहीं नहीं फ्राई नहीं करना है। एक घंटा इसको फ्रिज में रखा जाएगा, उसके बाद इसको जो इसका आगे का जो प्रोग्राम है वो दिखाएंगे। ये हो गया खीरा सलाद के लिए, ये हो गया गाजर सलाद के लिए, ये हो गया मूली सलाद के लिए, प्याज सफेद वाला प्याज सलाद के लिए, ये भी हो गया, इसको क्या बोलते हैं नींबू, ये भी सलाद के लिए, ये भी हो गया हरा मिर्च, ये भी सलाद के लिए। सिलेंडर, अब हो गया चूल्हा, अब चूल्हा के बाद ये फ्राई पैन है बड़ा वाला। अब आपको दिखाएंगे बिरयानी कैसे बनता है। हो गया तेल, अभी आ गया है चिकन, एक घंटा हो गया फ्रिज में रखते हुए, अब इसको करेंगे फ्राई। ये हो गया प्याज, पहले प्याज फ्राई करेंगे बिरयानी के लिए, पहले प्याज फ्राई करेंगे। ये पहले प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज पूरा अच्छी तरह से इसको लाल प्याज को हो जाना चाहिए। ये प्याज अच्छी तरह से लाल हो चुका है, अब इसको निकाल देंगे हम दोनों। देखिए प्याज निकाल रहे हैं, पूरा अच्छी तरह से इसको लाल हो जाना चाहिए। देखिए कैसा लाल हो गया पूरा। अभी फिलहाल हम लोग करेंगे चिकन फ्राई।
फिलहाल हम लोग करेंगे चिकन फ्राई। चिकन फ्राई हो रहा है अभी। अच्छी तरह से पूरा फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आप लोग निकालिए। देखिए कि अच्छी तरह से फ्राई अभी हो रहा है फिलहाल। अभी फ्राई हो चुका है, अभी फिलहाल निकालेंगे तो फ्राई हो गया। तो फ्राई करेंगे, उसके बाद पूरा फ्राई करने के बाद बिरयानी का प्रोग्राम जो आगे का है हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आधा फ्राई हो चुका है, अभी आधा बाकी है। आधा फ्राई होने के बाद आगे दिखाते हैं। अभी दोस्तों चिकन पूरा फ्राई हो चुका है। देखिए पूरा चिकन फ्राई हो चुका है, रिफाइन है। यहाँ पे सरसों का तेल महंगा पड़ता है ना। जी जी जी। अब मिलता भी नहीं है। एक लीटर का लेने के लिए 30 रियाल करीब हो जाता है। जी जी। 22-23 रियाल। इसलिए ये कुकिंग ऑयल है, इसी में यहाँ पे सब चीज, खाना या कोई भी चीज इसी में बनता है। 4-5 डाल देंगे। ये जावित्री है, 2-3 डाल देंगे। ये दालचीनी है, ठीक है। अब आपके भाषा में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो दालचीनी बोला जाता है। ये लौंग है। ये इलायची है। इसको फूल बोलते हैं। 2-3 डाल देंगे। ये गोल मिर्च है। ये जीरा हो गया। आपकी मर्जी है, डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए। अभी फिलहाल ये हम लोग बना रहे हैं गोश्त के लिए ना। हाँ, गोश्त के लिए बना रहे हैं हम लोग। प्याज, अब प्याज को अच्छी तरह से लाल करेंगे, भूजेंगे मेरे उस्ताद। इसको अच्छी तरह से पहले चला कर उसको टॉप पर अच्छी तरह से भूनना है इसको। ये हो गया नमक। अब के स्वाद के हिसाब से एक ही बार सब डल जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर डलेगा, वो काम नहीं होता। एक बार में नमक डाल दीजिए, अंदाज जितना है आपका। हाँ माशाल्लाह, नमक डाल के अच्छी तरह से इसको चला लीजिए। अच्छी तरह से प्याज अभी लाल हो गया है, अभी थोड़ा देर और करेंगे अच्छी तरह से और प्याज लाल हो जाए। लाल हो चुका है। ये है मिर्च, मिर्च का पेस्ट है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये दोस्तों ये ताजमहल है, चावल महल, चावल है ताजमहल। चावल को पहले करीब अच्छी तरह से धोकर अब 35-40 मिनट इसको भिगा कर रख देना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पूरा भूज लीजिए, पूरा अच्छी तरह से लाल हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। हो गया दोस्तों बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला एक दूसरा है, बिरयानी मसाला।
इसमें हो गया टमाटर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाए। ये हो गया कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको भूजा जाएगा। एक किलो दही है, चलिए डालिए। दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद से चिकन डालेंगे थोड़ा भूजने के बाद। अभी चिकन डालेंगे, अभी मसाला भूज लिए हैं। पूरा चिकन डाल दिया इसके अंदर, इसको अच्छी तरह चला लेते हैं। इसको अच्छी तरह से भूज लेंगे। इसको 10 मिनट ऐसे ही भूज के अच्छी तरह से इसको पकाएंगे पहले। अभी देखिए चिकन बन गया है अच्छी तरह से बिरयानी का। अब इसको उतार देंगे, अब चावल बनाएंगे इसको। देखिए अभी इसको उतार दिया है, अभी चावल वाला बर्तन चढ़ रहा है। देखिए चावल वाला बर्तन रखा गया है। ये राइस के लिए पहले तेल डालेंगे, बिरयानी के चावल राइस के लिए। तेज पत्ता हो गया, फूल हो गया चावल के लिए, राइस के लिए। ये बड़ी इलायची हो गया, ये लौंग हो गया, अब इसको पानी, अब इसमें पानी डाल देंगे। और ये नींबू है, सूखा हुआ नींबू चावल में डाला जाता है, बहुत अच्छा लगता है, उसका जो खुशबू आता है बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें पानी डाल देंगे, पानी के बाद नमक भी है साथ में। जो जब ये बना रहे इनको अंदाज है, लेकिन जिसको अंदाज नहीं है, जैसे एक गिलास जो इसका चावल है तो दो गिलास पानी डालकर उसके बाद अच्छी तरह से बना सकते हैं आप लोग। देखिए कितना पानी हो गया है। अभी हम लोग आँच तेज कर दिए हैं, जल्दी से चावल पूरा गर्म हो जाए, ढक जाए, ढकन टोक देंगे। चावल डालने के लिए पानी गर्म हो गया है। अभी राइस इसको अच्छी तरह से छान के डालेंगे इसके अंदर। अब अच्छी तरह से इसको पक जाए, उसके बाद से इसको छान लेंगे राइस को। तो अभी देखिए चिकन भी हो गया है, इधर चावल भी हो गया है, इधर अभी बिरयानी के लिए हम लोग पहले नीचे तेल और चिकन डाल चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग चावल डालेंगे। देखिए इसका चावल अभी डाल रहे हैं। कोई चावल डाल रहे हैं, ये है घी। अभी इसको घी डालेंगे, घी का डब्बा है। देखिए घी डाल दिए हैं, दिखाई नहीं। ये धनिया पत्ती, ये हो गया टमाटर, ये हो गया बिरयानी प्याज जो फ्राई किए हैं हम लोग, ये हो गया पुदीना, ये हो गया पुदीना, ये हो गया फिर चिकन डालेंगे उसके ऊपर। अच्छी तरह डाल के मिला देंगे, अच्छी तरह चिकन डाल देंगे इसके अंदर, चावल डालेंगे। चावल डाल रहे हैं,
चावल अच्छी तरह डाल के उसको लेवल में कर देंगे। उसके ऊपर डालेंगे प्याज, प्याज उसके बाद फिर टमाटर, ऊपर घी, घी के बाद ये धनिया पत्ती हो गया, हो गया पुदीना, ये देखिए घी हुआ, घी। इसके ऊपर डालेंगे चिकन, चिकन के बाद डालेंगे फिर चावल डालेंगे। अच्छी तरह से इसको लेवल में करकर फिर उसके ऊपर चावल डालना है, चावल डालना है उसके ऊपर। अभी बिरयानी रेडी हो गया है फिलहाल, अभी देखिए डालना है। के बाद से धनिया पत्ती है, ये धनिया पत्ती है, ये हो गया पुदीना, पुदीना ही सब, ये हो गया अभी किशमिश, किशमिश डाल रहे हैं ऊपर से, फिलहाल भूल गए थे बीच में नहीं डाल पाए। हो गया काजू, काजू हो गया। अभी बिरयानी रेडी हो गया है, अभी इसको भाप लगाएंगे कम से कम 30-35 मिनट पूरा स्लो आंच में, उसके बाद से आपको दिखाते हैं। लोग आटा सान रहे हैं बिरयानी का भाप दिलाने के लिए, उसको ढक्कन का बंद करने के लिए, इसको भाप लगाने के लिए सभी बंद करेंगे आटा से। तो पूरा गोल में लगा कर इसको ढक्कन इसको पलट के साट देंगे इसको। देखिए अभी इसको पलट के साट देंगे, सबसे बेस्ट सट जाएगा ये। अब इसको भाप लगाएंगे 30-35 मिनट पूरा स्लो आंच में, इसका ऊपर जो भी रखना है रख देंगे हम। सट गया देखिए अच्छी तरह से। अब 30-35 मिनट के बाद हम वीडियो दिखाते हैं। सलाद के लिए लोग खीरा काट रहे हैं, उसके बाद इधर प्याज भी है, मूली भी है, गाजर भी है, ये धनिया पत्ती का चटनी बन रहा है पुदीना का। देखिए दोस्तों अभी भाप लग रहा है, 20 मिनट हो गया, अभी 15 मिनट है, पूरा स्लो आंच है देख लीजिए। देखिए अब गाजर कट रहा है, ये प्याज कट रहा है सलाद के लिए। दोस्तों अभी बिरयानी भी रेडी हो गया है, सलाद भी रेडी हो गया, हम लोग अफ्तारी का समय भी हो गया है, खजूर देख रहे हैं, पब्लिक भी आके बैठ चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग बिरयानी खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं। अरे अभी है ना वो दो, सलाद हो गया, चटनी हो गया, किसके मोबाइल में? हाँ तो बस शाहरुख उसका गुनाहगार हो गया। पहले इधर से स्टार्ट करो, ये लाइन सीधा है। तारा दरवाजे पे गाय भैंस नानू आगे 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 गाय भैंस का नाद में ले जाकर छेटिए हैं।